हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, एक्सरसाइज 3.2 में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना है कि हमें ये लर्न करना है। ओके, तो अब लर्न करना है मतलब क्या क्या लर्न करने की जरूरत है हमें। पहला ये कि हमें पता है कि a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 हम पढ़े हैं। ओके, a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 हमने ये पढ़ा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर हो गया और टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। ओके, x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया। अब इसमें लर्न करने वाली चीज ये है हमारे लिए कि हमें पता है a1 a2 क्या है, b1 b2 c1 c2 क्या है, उसको कंपेयर करना है, उनके रेशियोज को कंपेयर करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस या एग्जैक्ट लाइन। ओके, तो अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक पॉइंट कट होता है। एक पॉइंट कट होता है मतलब हमें क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। दैट मींस हम उसको क्या बोलते हैं, और हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें लर्न करने के लिए क्या है कि इस वाले के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ ऐसा है इंटरसेक्टिंग। ओके, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट भी, ये कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जो किसी भी पॉइंट पे कट ना करे उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स ये कैसे वर्क करेगा हम आगे देखेंगे, लेकिन इस पे अगर हम देखें आगे कि हमको जो लर्न करना है वो बेसिकली है क्या। ओके, तो ये ग्राफ हो गया। सेकेंड आते हैं कोइंसिडेंट लाइन में। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ओके, मतलब क्या है, वो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है एक दूसरे को, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एकदम पास पास में भी होंगे, तो हमें काउंट भी नहीं कर सकते वो कितने कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस लिखते हैं। और इसको नाम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका नाम होता है कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, ये ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना हो गया। अभी थर्ड वाले में आते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहीं पे भी आगे जाके टच होती नहीं है, नेवर इंटरसेक्टिंग बोलते हैं इसे। नेवर इंटरसेक्टिंग मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और इस पे इसके लिए कंपेयरिंग रेशियोज क्या होते हैं, a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, ये लर्न करने के लिए। अब रहा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मैं बता चुकी हूँ कंसिस्टेंसी कहाँ, जब एक भी अगर सॉल्यूशन हमको मिल जाए तो हम उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब कोइंसिडेंट लाइन अगर मैं देखूं तो इसको भी मैं क्या बोलूंगी, कंसिस्टेंट। क्यों बोलूंगी, क्योंकि इसमें भी हमको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, हमको तो एक से मतलब है। क्लियर है? एक मिल गया मतलब कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन में एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, एक पिक्चर आप समझ लो, कुछ भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो या लर्न कर लो, कैसे भी कर लो, ये लर्न हो गया तो 3.2 एक्सरसाइज इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करके देखते हैं जो एग्जांपल्स में ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंगली, ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली हमें क्या देखना है, इसमें ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, तभी क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें देखूं तो इस पे मेरे को a1 क्या मिलेगा, a1 is 1, b1 is minus 2 and c1 is 0। क्लियर है? c1 is 0। वैसे यहाँ पे a2 is 3, b2 is 4 and c2 is minus 20। ये हो गया, ये दोनों इक्वेशन के लिए हमने ये लिख लिया। अब मेरे को देखना ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 देखना है मेरे को। ठीक है, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3 और b1 क्या है हमारे पास minus 2 और b2 क्या है 4। अगर मैं इसको कैंसिल भी करूं तो ये कितना होगा, minus 1 upon 2 होगा। minus 1 upon 2 और 1 by 3 equal नहीं है, मतलब ये किस चीज के लिए हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन देता है, यूनिक सोल्यूशन देता है और क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है
कि यहाँ पे ए वन ए टू फिर से लिख लेते हैं हम, ए वन बी वन सी वन. ओके चलिए बताते जाइए. ए वन क्या है? ए वन इज टू, बी वन इज थ्री, सी वन इज -9, ए टू बी टू एंड सी टू. देखते हैं जल्दी जल्दी बोलिए क्या है. ए टू है 4, बी टू है 6 और सी टू है -18. अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए ए वन ए टू बी वन बी टू के तो इक्वल होना चाहिए, सी वन सी टू के भी इक्वल होना चाहिए. क्लियर है? तो ए वन बाय ए टू करते हैं, क्या होगा 2/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2 1/2 लिख सकते हैं. बी वन बाय बी टू क्या होगा? बी वन बाय बी टू होगा 3/6, इसको भी 3 1 3 2 लिख सकते हैं 1/2. सी वन बाय सी टू क्या होगा? -9/-18, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 9 1 9 2 1/2. मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू. इट फॉलोज दिस इक्वेशन. और ये इक्वेशन किसके लिए होता है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है, जिसमें मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि कंसिस्टेंट होता है. ओके बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप बोलेंगे तो आपको लर्न होता जाएगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ओके तो ये हो गया किसके लिए हो गया? ये मेनी सॉल्यूशंस के लिए हो गया और कंसिस्टेंसी के लिए हो गया. कंसिस्टेंट हो गया, मेनी सॉल्यूशन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया. क्लियर है? अब आते हैं थर्ड वाले में. अब इसमें अगर मैं ए वन बी वन सी वन लिख लूं, तो ए वन क्या है हमारे पास 1 2 -4. ओके अब क्या ए टू बी टू एंड सी टू लिख लूं अगर, तो ए टू क्या है हमारे पास 2, बी टू इज 4 एंड सी टू इज -12. क्लियर है? अब इसको अगर हम चेक करें तो ए वन अपॉन ए टू इज 1/2. ओके 1/2 हो गया. बी वन अपॉन बी टू इज 2/4, दैट इज नथिंग बट हम लिख सकते हैं 2 1 2 2 1/2 हो गया ये भी. अब सी वन एंड सी टू देखते हैं, -4/-12, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 4 1 4 3 12, दैट इज 1/3. तो हमको क्या मिल गया? ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू. इक्वेशन थर्ड वाला, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये वेरी करता है, जो कि किसके लिए होता है? पैरेलल लाइंस के लिए होता है. नो सॉल्यूशन होता है और क्या होता है? इनकंसिस्टेंट. अगर आपको ये पूरा लर्न हो जाता है इजीली, तो आप 3.2 एक्सरसाइज प्रॉपरली कर पाएंगे. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.